स्टूडेंट्स लास्ट टाइम वी वाज डूइंग दैट देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, मेजरली देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, हालांकि इसके अलावा भी दो स्टेट्स होती हैं, बट जो थ्री स्टेट ऑफ मैटर हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इनमें मेजर डिफरेंस क्यों क्या होता है, वो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं ये डिटरमिन करती हैं कि आपके पास कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। कैसे? अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बहुत स्ट्रांगली बाइंड आउट हुआ है, ठीक है, ये बहुत अगर स्ट्रांग है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं तो चांसेस हैं कि आपके पास कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड। अगर ये वीक हैं, दीज फोर्सेस आर वीक, तब चांसेस क्या हैं कि ये कौन सी स्टेट में होंगे, लिक्विड। अगर बहुत ज़्यादा वीक हैं तो चांसेस क्या है कि अगर आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा ही वीक हैं उस टाइम आपके पास गैसेस स्टेट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ओके चलो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्टिंग अमंग द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कैन बी एटम्स और मॉलिक्यूल, डिपेंडिंग अपॉन आपका सब्सटेंस एटम से बना है कि मॉलिक्यूल से बना है। जैसे अगर वाटर की बात करें, वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जिनका फॉर्मूला H2O होता है। वेयर एज अगर हम बात करें नियॉन की, नियॉन गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स, कौन से एटम्स, नियॉन के एटम। ओके तो एक नियॉन का एटम दूसरे नियॉन के एटम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स। और एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा उसको बोला जाएगा कि वाटर की इंटरमोलिकुलर फोर्स ये वाली है। ओके कहाँ थे हम, अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस अदर देन आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, इसमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना। ओके वो तो आपके पास जैसे मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, वाटर का या मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बना होता है, ये तो मॉलिक्यूल कैसे बना है उसके काम में आता है ना कोवलेंट बॉन्ड। बट एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस इंटरेक्शन को स्टडी करना है आपने इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में। ओके आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और आगे क्या है, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जितना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पार्टिकल आपस में ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हुए पड़े एक दूसरे की तरफ, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। हेंस वी कैन से दैट डिफरेंस इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का डिफरेंस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, वही मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होने का रीजन होता है। ओके अब आज हम पढ़ेंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज विच आर जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं सब्सटेंसेज में, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, नेम से इंडिकेट हो रहा है डायपोल डायपोल। एक डायपोल दूसरे डायपोल को कैसे इंटरेक्ट करता है उसको बोलेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जैसे वी नो दैट HCl के केस में हमने पढ़ा था हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा अलाइन होंगे, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आपका मॉलिक्यूल बन गया। ओके तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं उनको क्या बोलते हैं, दीस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज दी पोलर मॉलिक्यूल। ओके और ऐसे मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स को डायपोल भी बोला जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी डायपोल्स, क्योंकि उनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव दो पोल है ना, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज दी डायपोल्स। तो एक HCl का जो क्लोरीन है विच विल हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इट, वो दूसरे HCl के जो H पॉजिटिव आयन है, सॉरी H पॉजिटिव आयन नहीं, जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, आपको पता है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो अट्रैक्शन आएगी इसको क्या बोला जाएगा, ये वाला डायपल इस डायपल को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द डायपल डायपल इंटरेक्शन। और इस वाले HCl का जो Cl है वो अगले वाले H को, H के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा लाइक दिस। तो ऐसे होती हैं डायपल डायपल अट्रैक्शंस। ओके
इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टर्म में भी आप इमेजिनेट कर सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की टर्म में तो हम पहले भी कर चुके हैं, ओके। और आगे मैंने ऐड किया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्पेशल केस ऑफ डाइपल डाइपल इंटरेक्शन। लास्ट चैप्टर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक स्पेशल केस होता है डाइपल डाइपल इंटरेक्शन का। क्यों? जैसे अगर हम बात करें HF में, एक HF दूसरे HF को, ये वाला जो आपके पास बॉन्ड आता है इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द H बॉन्ड। हालांकि है ये भी एक तरह की डाइपल डाइपल इंटरेक्शन ही है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डाइपल डाइपल इंटरेक्शन। पर डिफरेंस क्या होता है, हाइड्रोजन जब फ्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी के साथ डायरेक्टली कंबाइंड होता है तो उसके ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से ये किसी दूसरे पार्शियल नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल को बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, सिंपल डाइपल डाइपल अट्रैक्शन से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ओके। ये जो डाइपल, इसलिए बोलते हैं कि एच बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपल डाइपल इंटरेक्शन, ओके, होती वो भी डाइपल डाइपल इंटरेक्शन ही। सेकंड, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल को इंटरेक्ट करेगा, इसमें आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है कि एक आयन होगा, मे बी दैट विल बी कटायन, कटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, और डायपोल, डायपोल आप कैसा होता है, जैसे अभी HCl का मॉलिक्यूल पड़ा जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसमें आयन और डायपोल इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने वाटर लिया, उसमें NaCl डाल दिया, NaCl में होता क्या है, इट इज मेड अप ऑफ Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, इसमें कटायन होते हैं Na पॉजिटिव आयन और एनायन होते हैं Cl नेगेटिव आयन। तो जो Na पॉजिटिव आयन है, और आपको पता है वाटर में डिजोल्व किया है तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये भी आपको पता है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन, जो दो हाइड्रोजन होते हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो Na पॉजिटिव आयन के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे ओरिएंटेट कर लेंगे कि उनका जो पार्शियल नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है वो सोडियम की तरफ अलाइन होगा और इनके बीच में ये अट्रैक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये वाली जो अट्रैक्शन आ रही है इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज दी आयन डायपोल इंटरेक्शन। सिमिलरली NaCl में से Na पॉजिटिव आयन तो निकला, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऐसे इंटरेक्ट हो गया, जो Cl नेगेटिव आयन निकलेगा, जो Cl नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेंगे कि उनका पार्शियल पॉजिटिव क्लोरीन की तरफ होगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर। तो ऐसे इनके बीच में अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हो जाएंगी, तो ये भी क्या होगा, इसको क्या बोला जाएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, वो डाइपोल के साथ इंटरेक्ट करवाएगा, बस फर्क क्या होगा, जो कैटायन होगा वो डाइपोल के पार्शियल नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसे ये कैटायन है ये पार्शियल नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो एनायन होगा वो डाइपोल में से जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ओके। तो ये आपके पास थी सेकंड टाइप, दैट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड टाइप क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसमें नाम से इंडिकेट हो रहा है इंड्यूस्ड डाइपोल, आपके पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एक आयन होगा, दूसरे वाला डाइपोल नहीं है, दूसरे वाला मॉलिक्यूल इज नॉट डाइपोल, बट उसको इंड्यूस करके डाइपोल बनाया गया, इसमें ये खास है। जैसे एक तो हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरे वाला मॉलिक्यूल डाइपोल ही है, ठीक है, और जो आयन है वो उसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, बट इसके केस में जो आयन होगा वो जिसके साथ इंटरेक्ट करेगा वो डाइपोल नहीं है, बट उसको उस आयन ने डाइपोल बना दिया, ये डाइपोल जैसा बना दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कैसे, अब इसको समझो, ठीक है, अभी ये एग्जांपल नहीं, मान लो आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया आयन, ओके, और आप इसके पास किसी पोलर मॉलिक्यूल को ले गए, लेट अस से आयोडीन I2, एक आयोडीन दूसरे आयोडीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये डाइपोल बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं,
तो इसमें किसी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नहीं आएगा, किसी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव नहीं आएगा। तो अगर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं आया तो इट मीन्स ये डायपल नहीं है मॉलिक्यूल। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें डायपल चार्जेस नहीं है। पर जैसे ही ये नेगेटिव इसके करीब आएगा, ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके करीब जैसे ही ये वाला आयन आया, इसने क्या किया, इसके आयन का ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो उसकी तरफ आयोडीन पड़ा है, दो आयोडीन है, ए आयोडीन बी आयोडीन, ये जो उसके पास पड़ा है आयोडीन, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो शुरू में आयोडीन पड़ा था इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल होकर पीछे चला गया, यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ठीक, उसकी वजह से इस आयोडीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस आयोडीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस आयोडीन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ गया, इस आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा पीछे चला गया। क्यों चला गया है? क्योंकि इस नेगेटिव ने उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल किया, ठीक, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि इस एनायन ने, ये जो एनायन था, इसने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जो कि पहले नॉन पोलर था उसको एक डायपल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे डायपल में कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि एक आयोडीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ला दिया, दूसरे वाले के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ला दिया। ओके, तो अब ये एनायन ने इसको जब डायपल में कन्वर्ट किया तो ऐसा डायपल बनाया कि इसका पार्शियल पॉजिटिव इसकी तरफ आए और इनके बीच में अट्रैक्शन आनी शुरू हो जाएगी। इस अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? आयन डायपल इंटरेक्शन। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज द आयन डायपल इंटरेक्शन। दैट्स इट, वही इसमें समझाया गया है। इस नाइट्रेट आयन की वजह से जो आयोडीन का मॉलिक्यूल होगा I2, ठीक, जब ये उसके करीब जाएगा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब बैक जाएगा तो इस आयोडीन के ऊपर एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे वाले आयोडीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो इस नाइट्रेट आयन ने इसको डायपल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, और इनके बीच में ये इंट्रैक्शन आनी शुरू हो गई। दिस इंट्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज द आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास Na पॉजिटिव आयन होता, अब ये कैटायन है, अब इसके करीब अगर आयोडीन का मॉलिक्यूल जाता, ऐसे ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ठीक, तो जैसे ही Na पॉजिटिव आएगा ये क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको बोलेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सेस में मेरे पास लेके आ। तो होगा क्या, इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले सिमेट्रिकल था, अब वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। कैसा हो जाएगा? उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसकी तरफ ज्यादा हो जाएगा, इसकी तरफ कम हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इधर आ गया, तो इस आयोडीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस आयोडीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव आयन ने क्या किया, इसको एक इंड्यूस्ड डायपल में कन्वर्ट कर दिया। पहले ये डायपल नहीं था, आयोडीन का जो मॉलिक्यूल पहले होता है तब वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, ऐसे किसी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नहीं, किसी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव नहीं। पर जब ऐसे हो गया, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में ये अट्रैक्शन आनी शुरू हो गई, ये वाली। तो इस अट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा, एक आयन था उसने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डायपल में कन्वर्ट किया पहले, मतलब उसको इंड्यूस करके डायपल बनाया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड डायपल, और इनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द आयन इंड्यूस्ड डायपल इंटरेक्शन। ओके, तो ये थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन थी। फोर्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन में क्या होता है, डायपल इंड्यूस्ड डायपल इंटरेक्शन, नेम से इंडिकेट हो रहा है। अब क्या होगा, आपके पास एक डायपल होगा, वो किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक इंड्यूस्ड डायपल में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद इंटरेक्शन होगी। जैसे ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव क्या करा, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल में एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसका पार्शियल पॉजिटिव
किसी नोबल गैस एटम के पास गया, नोबल गैस एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था पहले वो सिमेट्रिकल था, ऐसे एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच वॉज सिमेट्रिकल। पर जैसे ही ये पार्शियल पॉजिटिव इस नोबल गैस मॉलिक्यूल के पास गया, उसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट्स डिस्टॉर्टेड, जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो गया, ओके। इस डिस्टॉर्शन की वजह से इस रीजन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन रहा है। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो जो नोबल गैस का एटम था, अब वो एक इंड्यूस्ड डायपोल में कन्वर्ट हो गया, दैट गॉट कन्वर्टेड टू अ इंड्यूस्ड डायपोल। इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से वो एक इंड्यूस्ड डायपोल बना, और जब ये इंड्यूस्ड डायपोल बना तो अब इनके बीच में हमें पता है इस पार्शियल पॉजिटिव और इस पार्शियल नेगेटिव के बीच में इंट्रैक्शन तो आई जानी है ये वाली, और इस इंट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। फिफ्थ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज डिस्पर्सन, और यू कैन से इट लंडन फोर्सेस, और यू कैन ऑल्सो नेम इट एज वॉन्डरवॉल फोर्सेस, ठीक है। वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। आप मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने हीलियम गैस भर भर के रखी हुई है। हीलियम गैस में आपको पता है नोबल गैस है, सिंपल एटम से बनी होती है। एक हीलियम दूसरे हीलियम को क्यों इंटरेक्ट करेगा, कोई रीजन ही नहीं है, ना कोई चार्जेस हैं, ठीक है, ना कोई इंट्रैक्शन इनको करवाने का रीजन मिल रहा है, ठीक। तो मतलब एक हीलियम दूसरा हीलियम, ये दोनों ऐसे पड़े हैं बड़े मस्त आराम से, ठीक है। इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्या है, वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक। बट जैसे ये आपके पास हीलियम के मॉलिक्यूल हैं, ये कभी इधर घूमेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, हो सकता है जब ये ट्रेवल करे, जैसे मान लो जब ये ऐसे इधर को मूव करे, जैसे मूव करे तो होगा क्या, ये पॉजिटिव यहाँ पे पहुंच जाए और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहीं पे रह जाए, तब क्या होगा, उस टाइम ये डिस्टॉर्टेड, ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। हम बोलेंगे कि ये मोमेंटली डिस्टॉर्ट हुआ है। मोमेंटली डिस्टॉर्ट होने का मतलब है एक मोमेंट के लिए डिस्टॉर्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोबारा अपनी उसी पोजिशन में आ जाएगा आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, आफ्टर अ पार्ट ऑफ सेकेंड, नॉट फ्यू सेकेंड, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही ये वापस इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, ठीक। बट जिस फॉर्म, अब जब ये डिस्टॉर्ट हुआ पड़ा है, अगर हम इस डिस्टॉर्टेड फोर्स की डिस्टॉर्शन की बात करें, इस डिस्टॉर्शन में एक साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी ज्यादा हो जा रही है, दूसरे रीजन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कम हो जा रही है। तो जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कम हो गई, इस रीजन पे क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी एक्सेस में हो गई है उस रीजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, ओके। तो मूवमेंट के लिए, फॉर अ मूवमेंट, ठीक है, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो हीलियम का एटम था वो एक डायपोल बन गया, इसको बोलेंगे मोमेंटरी डायपोल, ओके। और हो सकता है कि ये वाला हीलियम एटम, इसकी डिस्टॉर्शन नहीं हुई थी, सिर्फ इसकी इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन हुई थी, बट इस मोमेंटरी डायपोल की वजह से इधर जब पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इधर जब पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो ये अगला वाला भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्यों डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इस पार्शियल पॉजिटिव की वजह से अगले वाले हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरफ खींच जाएगा इधर को, तो इधर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर इधर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे ही एक चेन सी चल पड़ेगी, ये जो मोमेंटरी डायपोल है वो दूसरे वाले हीलियम को इंड्यूस्ड डायपोल में कन्वर्ट करेगा, और इनके जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आएंगे, दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। ये जो अट्रैक्शन आएगी, जिसमें एक मोमेंटरी डायपोल एक इंड्यूस्ड डायपोल को अट्रैक्ट कर रहा है, इस अट्रैक्शन को बोलेंगे लंडन फोर्सेस, ओके। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हालांकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्मॉल होती है, क्यों, क्योंकि ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव बनते हैं, ये इनके बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड के बनते हैं,
ठीक है, तो ये जो अट्रैक्शन आएगी दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके क्लियर, इसमें आ रही है मोमेंट्री डायपोल में, ये खुद बना है, इंड्यूस्ड डायपोल इसकी वजह से बना है, क्लियर, और इस तरह इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी दैट इज कॉल्ड एज दी डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स और वंडरवॉल फोर्स, तीनों इसी के लिए नाम, ठीक है। और ये फोर्स हर जगह पाई जाती है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, उसमें अगर कोई और टाइप ऑफ इंट्रैक्शन नहीं होगी तो कम से कम ये वाली इंट्रैक्शन तो होगी होगी ना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि नॉबल गैस हीलियम एक नॉबल गैस है, इसके एक एटम को दूसरे एटम को अट्रैक्ट करने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है, बट इनके बीच में भी थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन होती है, क्यों होती है, ड्यू टू दिस, और वो इंट्रैक्शन, उस इंट्रैक्शन को क्या बोला जाएगा, डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स और वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में आगे हम और पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लंदन, हाँ जी आदित्य बोलो, अब आपके पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन फोर्सेस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो लंदन फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं। पहला साइज ऑफ मॉलिक्यूल, देखो अगर आपका एटम या मॉलिक्यूल छोटे साइज का है तो उसको डिस्टॉर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बड़े स्ट्रॉन्गली हेल्ड करके रखता है, ओके। बट अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है साइज में, या बोल लो मॉलिक्यूल है बड़ा साइज में, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करना इजी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजी टू डिस्टॉर्ट, ठीक। इट मींस, और हमें पता है लंदन फोर्सेस की शुरुआत ही डिस्टॉर्शन से होती है, पहले डिस्टॉर्शन से मोमेंट्री डायपोल बनता है, वो मोमेंट्री डायपोल अगले वाले एटम या मॉलिक्यूल को डायपोल बनाता है और उनके बीच में अट्रैक्शन आनी शुरू हो जाती है, ठीक। तो यहाँ से सवाल उठता है कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल उसको डिस्टॉर्ट करना उतना ही इजी, जितनी इजीली डिस्टॉर्ट होगा उतनी ही इजीली लंदन फोर्सेस आएंगी, इट मींस लंदन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, एज लार्जर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजिली इट कैन बी डिस्टॉर्टेड, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा उतना ही उसको इजिली डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, ओके। जैसे CH4, SiH4 एंड GeH4, कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ग्रुप नंबर 14, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 14 में आते हैं। CH4 मॉलिक्यूल ऐसा होता है टेट्राहेड्रल, SiH4 ऐसा होता है ऑल्सो टेट्राहेड्रल, जर्मेनियम H4 ऐसा होता है, बट इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में दिखाऊं तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, लाइक ऐसे, ठीक। सिलिकॉन का साइज थोड़ा बड़ा है, कार्बन से तो बड़ा ही है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, लाइक इसको ऐसे दिखाओगे आप, ये रहा सिलिकॉन, इसमें सेंटर में ये रहा कार्बन, तो जितना बड़ा एटम बड़ा मॉलिक्यूल हो गया इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बड़ा हो गया, इसको डिस्टॉर्ट करना इजी हो गया, इसलिए जितनी जल्दी डिस्टॉर्ट होगा उतनी ही जल्दी मोमेंट्री डायपोल बनेगा, जितनी जल्दी मोमेंट्री डायपोल बनेगा उतनी ही जल्दी इंड्यूस्ड डायपोल आएगा, अगले वाले को इंड्यूस करेगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उतना ही जल्दी एंड उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो इट मींस साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे जैसे बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा लंदन फोर्सेस का जो आपके पास कह सकते हो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री का भी शेप के ऊपर, मतलब ज्योमेट्री आपको पता है शेप डिफाइन ज्योमेट्री ही करती है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर एन पेंटेन और नियो पेंटेन की अगर बात करें, इन दोनों में पांच, इन दोनों का फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, C5H12, दोनों में पांच कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, ठीक। बट एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 36.2 डिग्री होता है सेल्सियस होता है, वेयर एज नियो पेंटेन का 9.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका डिफरेंस क्यों है मालूम, इसके केस में ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा है, ये वाला एक तरह से स्फेरिकल शेप अडेप्ट कर चुका है, क्योंकि मॉलिक्यूल ही एक तरह का स्फेरिकल नेचर अडेप्ट कर चुका है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा है। आपको पता है कि स्फेयर्स हैव मिनिमम एरिया,
अगर सेम वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का, जैसे मान लो आपके पास 3 cm³ वॉल्यूम आपने लेना है, उस वॉल्यूम का अगर मैं क्यूब लूंगा और उसी वॉल्यूम का अगर मैं स्फीयर लूंगा, तो स्फीयर का मिनिमम सरफेस एरिया होगा 3 cm³ वाला जो आपका स्फीयर होगा उसका मिनिमम सरफेस एरिया होगा, और 3 cm² वाले क्यूब का जो एरिया होगा, ओके, दैट विल बी हैव मोर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सरफेस का एरिया, तो इसकी जो सरफेस है उसका एरिया। और हमें पता है जो डिस्टॉर्शन है वो सरफेस की वजह से होगी ना, अंदर से तो थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होगा, अंदर से होगा पर पहले स्टार्टिंग तो सरफेस से होगी ना, ठीक। तो इट मीन्स जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ही हायर वैल्यू होती है लंडन फोर्सेस की, ठीक, क्योंकि जितना आपके पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ज्यादा एरिया में स्कैटर हुआ पड़ा है, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना इजी है। ये जो स्फेरिकल वाला है इसमें क्या है, इसमें मिनिमम सरफेस एरिया है, उसकी वजह से इसके न्यूक्लियस भी यहीं कहीं होंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे, ठीक। तो इट मीन्स इनमें मिनिमम सरफेस एरिया होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना मुश्किल है, और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना इजी है। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आती है, ग्रेटर द सरफेस एरिया लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ लंडन फोर्सेस। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये C5H12, 10th में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ठीक, प्लस वन में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, वो बाद की बात है। इस मॉलिक्यूल के दो फॉर्म बन सकते हैं, एक ये वाली फॉर्म, एक ये वाली फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज्यादा रीजन में स्प्रेड हुआ होगा, इसमें एक रीजन में सिमट के रह जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना मुश्किल है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना ईजी है। इसलिए एक एन पेंटेन का मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ, दूसरे एन पेंटेन के मॉलिक्यूल को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इनकी लंडन फोर्स ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड की होगी। और एक नियो पेंटेन का मॉलिक्यूल दूसरे नियो पेंटेन के मॉलिक्यूल को, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे इन दोनों के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी कम है, इनके बीच में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट भी ज्यादा है, तो यहाँ से कॉन्टेक्ट करके आपस में ये अट्रैक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए ज्योमेट्री का भी इफेक्ट पड़ता है, अगर ज्योमेट्री ऐसी है जो मॉलिक्यूल को स्फेरिकल बना रही है उसकी वजह से लंडन फोर्सेस कम होंगी, अगर ज्योमेट्री ऐसी है जो मॉलिक्यूल को लीनियर बना रही है, ऐसी शेप में कन्वर्ट कर रही है जिसका सरफेस एरिया हाई हो, तो उस टाइम क्या होगा, लंडन फोर्सेस भी बढ़ेंगे। तो दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, साइज और ज्योमेट्री, ये दो फैक्टर हैं जो आपके पास लंडन फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें 22-22 कार्बन होते हैं, ठीक। तो ऐसे मॉलिक्यूल जैसे जैसे साइज में बढ़ते जाते हैं, तो एक मॉलिक्यूल, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में लंडन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बड़ा होता जाता है, और जितनी ज्यादा लंडन फोर्स को मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाएगा उतना ही उनकी जो स्टेट है उस पर भी फर्क पड़ता जाएगा। जैसे मिथेन, इथेन, ये जो गैसेज हैं ये गैसेज स्टेट में होता है, और जैसे जैसे आप डेकेन की तरफ बढ़ते हो, जैसे ये डेकेन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है, डेकेन जो है ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ऐसा जिसमें 50 कार्बन होंगे, जैसे C50H52, ठीक, ये वाला नॉट 52, इसमें 102, इसके केस में आपके पास ये सॉलिड, ये वैक्सी सॉलिड होता है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जा रहा है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता जा रहा है तो लंडन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। तभी वो शुरू वाले जो होते हैं, जैसे ये जो है ये आपका कौन सी स्टेट में है, दिस इज इन द गैस स्टेट, ठीक है, और अगले वाले जो इसके हैं कुछ लिक्विड स्टेट में है, और उससे हायर वाले सारे के सारे सॉलिड, ओके। तो दिस इज इट विद लंडन फोर्सेस। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज गैसियस स्टेट, ओके। अब हमने गैसियस स्टेट को डिटेल में डिस्कस करना है ये, बट हमने कल से शुरू करना है, ओके। That's it for today.